हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सूजी के लड्डू बनाऊंगी बहुत आसान तरीके से। सूजी के लड्डू बनाने के लिए मैंने ली है ये 2 कप सूजी, एक ये 2 कप सूजी, ये 1 कप दूध लिया है। इसमें हम सूजी को भिगोएंगे जितना दूध लगेगा, 1 कप पिसी हुई चीनी या बूरा चीनी जो भी आपके पास है, ये 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, ये थोड़े से बादाम और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और ये घी तलने के लिए। सबसे पहले हम ये सूजी जो हमने ली है 2 कप, 1 कप और ये 2 कप, इस ये सूजी को हम दूध में भिगो देंगे। ये थोड़ा सा गुनगुना दूध लिया है मैंने जिससे कि सूजी जल्दी से भीग जाए। बस हमको उतना ही दूध डालना है जिसमें सूजी आराम से भीग जाए। ये देखिए, ये सूजी भीग गई हमारी। अब हम इसको 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि सूजी को जितना दूध पीना है वो पी ले। अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और डालेंगे, हमारे पास अभी इतना दूध बचा है। ये देखिए, सूजी जो मैंने भिगोई थी इसको 20 मिनट हो गए रखे हुए। अब हम थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेंगे जिससे कि ये चिपके नहीं, और इसको अच्छे से मसल लेंगे। ये देखिए, एकदम पूरी के आटे की तरह है, ना बहुत टाइट है ना मुलायम है। ये देखिए, बहुत अच्छा बन गया है। अब हम इसकी घी लगा लगा के छोटी छोटी मठरी तैयार करेंगे, जैसे आप मठरी बनाते हैं। इसको हम चकले पे ऐसे, बहुत मोटी नहीं, थोड़ा पतला, इसको बेल, चाहे आप बेलन से बेल लें। ये देखिए, मैंने जो सूजी का डो तैयार किया था उसकी सब मैंने ये छोटी छोटी लोई बना ली है, अब उसकी मैंने ये सब मठरी तैयार कर ली है। साथ साथ मैं इसको फ्राई करती जाऊंगी। घी गरम हो चुका है, देसी घी में ही बनाना है इसको। अब हमने घी को मीडियम आंच पे रख दिया है, एक बार गरम हो जाए फिर हम इसको मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। मठरी आप छोटी बड़ी कैसी भी बना सकते हैं, कोई गोल शेप की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको बाद में हमको कूटना है। इसको हम मीडियम आंच पे तलेंगे, 4-5 हम एक साथ डाल देते हैं। कढ़ाई मेरी छोटी है इसलिए मैंने छोटी छोटी बनाई, आप थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं। इसको हम सुनहरा होने तक तलेंगे, अभी ये हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो मैंने इसमें मठरी बना बना के डाली थी ये सब गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, बस इतना ही ब्राउन आपको करना है, गोल्डन सा, बहुत ज़्यादा ना करें। कभी कभी ये फूल भी जाती हैं तो आप इसमें छेद भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग मठरी में फोर्क से छेद करते हैं वैसे आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें और जो मैंने बना के रखी हैं इनको भी डाल देते हैं। ये आपको पूड़ी से थोड़ा सा मोटा बनाना है, और आँच को बीच बीच में अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते रहें। एक बार बनाने में 4-5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सूजी बहुत जल्दी पक जाती है। ये सब बन जाएंगे फिर हम इसको ठंडा करके मिक्सी में इनको पीसेंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये सब बन जाए। ये देखिए, जो मैंने डो बनाया था उसकी ये सब मठरी कहें या पूड़ी कहें, ये सब बना के मैंने तैयार कर ली हैं। अब इनको हम 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ठंडी हो जाए फिर हम इसको मिक्सर जार में डालकर पीसेंगे। ये देखिए, जो मैंने सूजी की मठरी बनाई थी उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, ये देखिए ऐसा टेक्सचर आएगा। अब इसमें हम, अब हमारा गैस का काम खत्म हो चुका है, अब हम इसमें, ये हमने 2 कप सूजी ली थी इसके अंदर हम 1 कप ये पिसी हुई चीनी डालेंगे। आप बूरा चीनी भी डाल सकते हैं और मीठा आप अपने हिसाब से डालें, कम ज़्यादा जैसे भी खाते हैं।
ये आधा चम्मच इलायची पाउडर, और ये आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिक्स करेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लें। ये सब चीजें मिक्स होने का, आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी कूट के मिला सकते हैं, मैंने नहीं मिलाए हैं। अब इसके अंदर हम ये 4 चम्मच घी डालेंगे, और जरूरत पड़ी तो और डालेंगे। ये देसी घी है लड्डू बांधने के लिए। अभी थोड़ा सा घी और पड़ेगा, ये इतने मिक्सचर में समझिए 4 चम्मच और ये 6 चम्मच घी डल गया है, करीब आधा कप, आधे कप से थोड़ा सा कम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, ये मिक्सचर मैंने सब मिक्स कर लिया है, इसमें करीब आधा कप घी और डला। अब इसको हम लड्डू बनाएंगे, थोड़ा सा घी का हाथ लगा लेंगे जिससे कि हाथ में ना चिपके, और जितने बड़े लड्डू आप बनाना चाहें बना लें। बहुत बड़ा है, इसमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब इसके ऊपर हम एक बादाम लगाते जाएंगे। ऐसे ही हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। देखिए, सूजी के लड्डू तैयार हैं, बहुत बढ़िया, बहुत मुलायम लड्डू बने हैं, कुरकुरे भी हैं और मुलायम भी हैं। आप सब बनाएं, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, दादा दादी की किचन में आपका स्वागत है। आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज को फॉलो ज़रूर करें, मैंने इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।